listen to. Thank you.
कंटेंट ओरिएंटेड और सबसे बेस्ट जो हम जुड़ते हैं वर्ल्ड मैप से वो है उनका पत्नी सर के साथ जो कनेक्ट जो उन्होंने अपना लाइफ का फोटो रहा है कि शी वी वर्किंग फॉर द एनवायरनमेंट. थैंक यू मैम, वेलकम टू दिस आफ्टरनून सेशन. हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है सोलो कंट्रैक्ट. तो ये जो सोलो कंट्रैक्ट है टॉपिक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि कई बार आपको मन में आता है कि जो चीज़ें हमारे लाइफ में चल रही हैं मेरे साथ सही हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, बड़ी तरह की कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे जो ये लोग चल रहे हैं या मेरा ये चल रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. कई बार हम बोल रहे हैं कि मेरे ही घर में ऐसा बच्चा होना था या मेरे ही पति ऐसे होने थे, सास ससुर ऐसे होने थे या मेरे फ्रेंड्स के मेरे मतलब के साथ. कई बार हम ऐसे तरह के इमोशन के बारे में बात करते हैं और हम बड़े परेशान होते हैं ऐसा कि ये है मैंने ऐसे किया कि मैंने इस सारी चीज़ें कर. अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया जिसके अनुसार लिखा उस सारे काम और बहुत सारे अपने काम और वर्कशॉप के लिए जगह दे दी थी. ये जो हमारा कर्म रहता है, हमारे संस्कार जो हम पुराने लेके आते हैं, इसके अलावा जो हमारा एक सोल का जो हम जब सोल शब्द कह रहे हैं उसमें एक बेसिक फर्क है उसको मैं बता दूँ. सोल को हम आत्मा को हम सोल नहीं कहते हैं कि हम एकदम क्लैरिटी रहे हम सबके अंदर. सोल शब्द का मतलब है जीवात्मा. जीवात्मा यानी हम लोगों ने फॉर्म लिया है क्योंकि आत्मा का जो है वो निर्गुण है. आत्मा की बात हम क्या कहेंगे, न जायते न मृयते न नश्यते. जो ना जन्म लेता है ना जो मरता है उसको ना आग जला सकती है ना मानी है. सारा गीता में हमने उसका गुण सुना है. लेकिन वही आत्मा जब एक शरीर को धारण करती है, एक नई नई तरह के शरीरों को धारण करती है, तो वो कई तरह के जो उसके संस्कार है, नॉलेज पास लाइफ के हैं, इधर के मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना, मुझे ये ठीक करना है, तो उसकी ये वो प्लान एक और ये प्लान होता है कि कब होता है और किस तरह से है उसी के आधार पर हमारा टॉपिक. तो हम लोग तो ये बात समझ में आ रही है कि सोल का ट्रैक है ये चल रहा है और हमारे शरीर का धारण करने से अपना जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, जैसे मूवी बनाते हैं मूवी के पहले कहते हैं अपने संरक्षण करते हैं ना, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस बनाए वो सारे घर बैठे पूरा बनाते हैं ना कि ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही कैसे हम लोग ये सोल कंट्रैक्ट जो है वो कैसे कि कैसे है हम ये जानने के लिए हम कैसे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या सीखना है, कंट्रैक्ट के बारे में जानना है, कब ये पूरा हो गया है, कब ये हम जानना. एक ऐसा एक यानी एक बहुत क्लियर बात आ रही है कि एक तरफ
आप सोचोगे मैं तो आप बताओ प्रोड्यूसर तक यहाँ पर कौन हो रहा है, यहाँ पर आने वाले वो क्या करेंगे, जाके जाके उसको सीखना है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है, फोकस, राइट। जो भी बना रहे हैं क्या है, कारण बनाया जा रहा है। अब मुझे अगर कुछ सीखना है, हम सबका तरीका क्या होता है, क्या आप उनके अंदर जाके देखते हैं, हम क्या करते हैं बाहर क्या हो रहा है, हो रहा है। हम लोग को जो चीज़ देखे पूरा यानी नाटक का जो है वो बाहर सजाया जाए। तो अब बाहर सजाया जाए सपन चाहिए, मेरे हिसाब से होने के यानी अच्छा शर्मा को सीखना है, इसलिए बनाने के लिए आगे चर्चा तब आगे क्या उनको भी सीखना है, तो उनको भी सीखना है। अच्छा मैं शर्मा को ये सुनाऊँगा और शर्मा मुझे ही हालत देगी गरीबी की हालत और और यहाँ फोकस जो है वो इंप्लीमेंट जो है वो जो स्पिरिट सेंस में हम एसेंस के रूप में वो सब है फिजिकल रूप में आने से पहले हमारा जो यात्रा रही कैसे रहेगी हम जन्म ले रहे हैं उसकी एक जो एग्रीमेंट है उसको क्लियर कर सकते हैं। हमारे हमारी खुद की जो सोल का भी है वो भी में मदद करती है, हमारा इसमें फ्री विल रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कंट्रैक्ट साइन किया बस है हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इससे कई तरह की सिंक्रोनिसिटी होने लगती है और साथ ही में आप कार्मिक डेट क्लियर कर सकते हो और तीन एक्सेस होती है आती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अगर हमारा शिप है हमारा शिप है और हमने साइन किया है तो यानी ऐसा नहीं होना पड़ेगा, तो यानी अगर मुझे आ रहा है मुझे ऐसा ही दुखी में रहना पड़ेगा। Thank you.
यहाँ पर अब कैसे पता लगता है, जैसे हो गया पता, एक कैरेक्टर तो होता तो वैसे ही हमारा कैरेक्टर है बहुत सारे शब्द है और भी कई डिफरेंट डायमेंशन वाले हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी वाले हो सकते हैं, यानी कोई बहुत रेयर मास्टर करते हैं हमारे राइट नंबर है एक ग्रेट मास्टर दूसरे मास्टर से हो गए, तो अलग अलग रिवोल्यूशन लेवल वाले लोग रहते हैं हमारे और जितने भी लोग हैं उनका रोल है कोई भी फालतू नहीं है। आपको कई बार ऐसा लगता है लाइफ में आपको आगे अगर कोई ऐसे नहीं होगा तभी होता है चलते मेरे साथ हुआ एकदम मैं एजुकेशन मुझे तो नहीं कुछ समझ आया था मैथ का थ्योरम था मुझे समझ नहीं आया था बोर्ड में क्या अच्छे से करके देख के समझ आ जाएगा, उन्होंने कहा टीचर ने जब बताया था तब नहीं समझ आया तब तुमने क्या तो समझ आया, मैंने कहा यार मुझे तो वही कर रही हो जो टीचर ने किया अब समझ आया दैट वॉज वेरी फनी करेगा भाई समझ आया आया मुझे नहीं पता मुझे अच्छे से समझ आ गया मैंने यही बात देखी किताबों में इसके बाद क्या करते हैं आप सिखाने से हमारी खुद की लर्निंग जो है बड़े फास्ट हो जाती है। तो मैं ये करती थी और साथ में आज भी थी लेकिन मैं नहीं करती आज भी है वो भी कर रही थी और उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन मेरा ये था कि बड़ी अच्छी सी जॉब जो मैं चाहती हूँ जैसे जॉब मार्केट में जाती है एग्जाम दो वो एग्जाम दो जिसका एग्जाम क्रैक कर रही उसका दो वो भी मैं कर रही थी और फिर ऐसे फर्स्ट ऑफ दिस इज जनरल होता है मुझे कभी ऑफिस नहीं आता तो मैं देखती हूँ क्या मैं ना देखा भी नहीं बैक में वो खड़ी हूँ जैसे वेट कर रही हूँ आई ओवरहर्ड दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कहते हैं वो भी एग्जाम देके वहीं से आ रही है और जगह नहीं दिखे तो मुझे देखो मैंने तो अपना लाइफ का मेरा जॉब करके रखा है अभी एग्जाम हो रहा है तब तक मेरा पता नहीं कब निकलता है जो भी एग्जाम का उसको जाएगा कितना चलता है अरे नहीं स्कूल का वहाँ पर जॉब ये तो सुबह से हो रहा है ये मैंने क्या किया देखा तक नहीं वो कैसे देखता है क्या हुआ वो क्यों जरूरी था और जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो ऐसी चीजें होती हैं और हमें जो शिक्षण है पता लगता है यहाँ पर सबका रोल आपका
क्या सीखना है, स्ट्रेंथ सीखनी है, क्या इंडिपेंडेंस सीखना है, स्ट्रॉन्ग होना सीखना है। उसके साथ मेरा लेसन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कॉन्फिडेंस भी सीखना है, तो मेरा लेसन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है किसी को स्ट्रेंथ सीखनी है, इंडिपेंडेंस सीखना है, उसके अलावा कुछ और सीखना है। वही हम प्रोबेबिलिटी जो कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, उसकी वजह सबका जो होता है अल्टीमेटली यूनिक। इसीलिए हमारे स्कूल का ड्राफ्ट एक जैसे टॉपिक होते हुए पर्सनैलिटी के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे अलग। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे हमारी जो रिक्वायरमेंट में फर्क आएगा उसके हिसाब से ये बदलता चला जाता है। आप अनकंडीशनल लव करना सीखना चाहते हैं, किसी को केयर करना चाहते हैं, तो ऐसे आपके पास बच्चा आ जाए डिफरेंटली एबल्ड, यानी वो बच्चा हो सकता है कि विकलांग बच्चा आ जाए या दूसरे तरह का, जैसे मेरा एजुकेशन का लाइन था तो मेरे पास मेरा बच्चा आ गया डिसलेक्सिया वाला। तो उससे पहले था कि मैं पढ़ाती थी लेकिन मैं बहुत मेहनत करती थी, मेरा ये था कि मेरे बच्चों को बिल्कुल मेहनत करना ही टू लव माई चिल्ड्रन के लिए बहुत मैं अपने स्टूडेंट को बहुत मेहनत करती थी। और लेकिन अगर नंबर कमाए तो मैं पढ़ाई भी करती थी, आई यूज टू बी, मैंने जब मेहनत की तो मैं करती थी। और जब मैं मारते भी थी तो वो भी कहते थे बड़ों की कहते हो आप इतना प्यार भी करते हो, मारते भी हो, बड़े अजीब से हो आप। एंड दे न्यू कि आई लव देम। तो उनका क्वेश्चन भी होता था, दूसरे टीचर बोलते थे हाँ ये दूसरों के बच्चे हैं तो तुम मार देते हो, अपना बच्चा होगा तो पता लगेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा आप क्या बोलना चाहते हो, मैं इनको प्यार नहीं करती, मैं लव देम लाइक एन, और मुझे पता ये कर सकते हैं, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ये क्यों नहीं कर सकते। आई यूज टू से जब बेटे का डिसलेक्सिया हुआ खुद एक स्कॉलर और नंबर वो सब क्या होता है ना, माँ को एक टाइम बच्चा मेरा सही बड़ा प्यार से बस के साथ ऐसे कंट्रैक्ट बनाया। बेटा आया तो पता लगा मैं डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया है यानी उसका पूरा तरीका मुझे जो समझ लो सिखा नहीं मिला है। तो मैंने बुक पढ़ी कि हम डिसलेक्सिया हमें बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है। इसके अलावा जो बाकी जो काउंसलर होते हो कहा कि आपके बच्चे को ये करते हैं, जब स्विमिंग भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, रास्ता भी क्रॉस करता है, इसकी दिक्कत वाली बात है, पता नहीं बात नहीं ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली रहती बाकी तो नहीं समझ आए ये बात अच्छी है। अभी बच्चा तो स्विम भी नहीं कर पाएगा, रास्ता भी नहीं क्रॉस कर पाएगा और हमेशा आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। तब पता नहीं कि स्टार्ट होगी, मैंने कहा है तब रात होगा। तो मैंने कहा चलो वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं, हमेशा मेरे अंदर से बड़ी अच्छी रही है, कौन सही रही है, किसी ने कुछ बोल दिया ना वहाँ पर टिक नहीं, अच्छा ऐसा है लेकिन उसके बस के ऊपर और खुदाई हमेशा नहीं चाहती। तो वो खुदाई करने के चक्कर में मुझे उनके पैर के बारे में बहुत ज़्यादा है, प्लीज स्टडी टाइम से मुझे खुद जानना है, मुझे खुद करना है। एसोसिएशन उसके साथ मैंने अपने आप को एनरोल किया। उनका जो लेटर आ रहा है बड़ा सुंदर टैग लाइन था, आई कैन नॉट स्टडी योर वेट कैन यू टीच माई लिफाफे को पकड़ के ना बस खड़ी रह गई थी, मुझे लिफाफा मिला था ना मैं बस खड़ी रह गई थी कुछ सेकंड के लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसमें क्या हो रहा है। सच ए ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या सिखा रहे हैं, जो दे रहा है जो रिसीव कर रहा है उसके तरीके से मैं बता पा रही तो देखिए कितनी बड़ी बात जो है टीचर कह लीजिए मैंने सीखा, तो ये एक बहुत बड़ी बात आ गई। और मेरे अंदर जो सबसे बड़ी बात उस वक्त आई दैट इज एक्सेप्टेंस, जैसा भी है इट इज नॉट अबाउट कि मेरा बच्चा जैसा भी है क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता, अगर ये कोई नंबर ना लाए जैसा भी लाए क्या मैं इसके साथ भी इसको एक्सेप्ट कर सकता, इरिस्पेक्टिव कि मैंने क्या स्कोर किया है क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो हम लोग ऐसा भी प्लान करते हैं जो हम लोग अपने लिए ला सकते हैं अनकंडीशनल लव। ये भी हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ भाई बहन डिसाइड किया है जो बड़े जिद्दी हो, एरोगेंट हो, जो आपकी बात सुने ही ना, या फिर भी आप अपना उसको प्यार दे सकते हो। तो ये भी हमारे पास चार हो जाता है, कई बार हमारे डिफिकल्ट सिबलिंग्स हो जाते हैं, कभी स्टबर्न पार्टनर, बस जितनी से हस्बैंड या वाइफ, तो जो खूब सारी गलत गलत चॉइस करते हैं, क्या फिर भी आप उसको
अनकंडीशनल लव दे सकते हो, मिश्र आ जाता है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, ये चीजें बड़ी मददगार लगती है कि कोई जो है वो खूब पैसे कमा रहा है, एकदम बूमिंग करियर है पूरा, बहुत अच्छा करियर में पैसे कमा रहा है, कुछ खास उसका एफर्ट नहीं कर पा रहा, पर अचानक बीमार हुआ और बड़ी जल्दी चला गया। और कोई दूसरा है जिसको मतलब रोजमर्रे का खाना निकालना मुश्किल है और वो बड़े साल तक जिंदा है। अनकंडीशनली क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसके आधार पर हम सीख रहे हैं, बहुत प्यार से ये बताते हैं। और ये सारी जो हम कॉन्ट्रैक्ट हमने प्लान किया है, ये हमारी उन्नति के लिए है, एसेंशियल उन्नति के लिए ही होता है। तो ये अगर हम जान जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक बड़ा सा नाटक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को इसमें से ऊपर उठा के हम अटैच होकर सबके प्रति प्रेम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम सबको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, हैं जो करोते हैं उन्नति कहते हैं। और जब इस तरह से अपने इस नाटक को देखकर समझकर इससे ऊपर उठे, तो हमारी अनकॉन्शियस जो एक चेतना है वो हमें उन्नत करती जाती है। क्या कैसे है, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। एक कुछ चीजें चल रही थी और मैं बहुत परेशान थी, मेडिटेशन कर रही हूँ और उसमें भी वही अप एंड डाउन चल रहा है। मैं माफ नहीं करूंगी जब गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। जब अच्छा लग रहा है तो कह रही हूँ मैं कौन होती माफ करने वाला, तो ये ऊपर नीचे चल रहा है। पर जब मैं वही पर मेडिटेशन में ही एक मास्टर बता रहे हैं कि लाइफ जो है वो हमारे रामायण जो रामलीला होती है बिल्कुल ऐसा है, इसमें एक स्टिच। और इट वाज लाइक अ कोइंसिडेंस कि जब मैं उसमें आ रही हूँ तो मैं रस्ते में रामलीला देखते हुए आ रही हूँ और उसमें बता रहे हैं कि ऑन स्टेज हम लोग बड़ा सारा नाटक कर रहे होते हैं, राम रावण को ऐसे बोल रहा होता है, सीता के साथ ऐसा हो रहा होता है, पर ऑफ स्टेज जो है वो तीनों जो है आपस में बीड़ी या सिगरेट शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने सुना, मैंने लगा था कुछ ऐसे मूवमेंट हुआ and I said, oh wow, such much मेरे life में जो हो रहा है, isn't it like a big drama? तो जब मैंने उसको ड्रामा, जब तक मैं उसमें entangled थी तब तक मुझे लग रहा था कि मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, या मैं कभी माफ नहीं कर। लेकिन जब मैं उस entanglement से बाहर निकल, क्या हुआ, फंसे होंगे तो परेशान, फंसने के बाहर निकल गया, ओह ये तो नाटक right? तो जैसे ये चीज हुआ तो क्या हुआ, बस मेरे अंदर से ये आई, मेरे आंखों से बहुत सारे हंसू निकले और मैंने ये कहा कि भाई क्या नाटक किया है, रुला रुला के मार डाला। एंड दिल से एक जैसे बोझ उतर गया और इतनी शांति। और उसके बाद जहाँ फॉरगिव नहीं, ये दो डायमंड पर मेरे डलीमा चल रही थी, इससे भरे मेरे अंदर से इतना सारा प्रेम उबड़ा कि मैं उनके लिए भी गुड विशेस की। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। ये क्या हो गया, इस पूरे से मेरा क्या हुआ, इस एसेंशियल जहां मैं फंसी हुई थी उससे मैं बाहर आ सकती। हेलो, आती है वो क्या आती है, और हायर इंटेंसिटी से आती है। कहते हैं ना बड़ी मजेदार बातें, कहते हैं भाई आपको किसी बात पे ध्यान आकर्षण करना है, पहले क्या करते हैं धीरे से एक बार समझ आते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं,
बड़ा सा बहुत बड़ा लाइफ में होता है ना, हम लोग ऐसे ही लगता है ना ऐसा होगा। और जब आप जिसमें आप चौंक को जिसमें आप एक्शन लो उतना बड़ा बड़ा पत्थर आएगा। हमारे लाइफ में भी होता है, छोटे से हमें समझ आ जाता है, नहीं समझ आता कोई बेटा, बड़ा सा और बड़ा सा और बड़ा सा, फाइनली ऐसा भी होता है पत्थर के नीचे पड़े होते अब समझ आ गया, ऐसा भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो चॉइस हमारा है। तो क्या होता है, क्या है जो लेसन है जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी हर चीज की तारीफ हो। तो आप अगर मान लो लेसन अभी नहीं पास, सब कहते थे ना अभी हम नहीं करेंगे पास, तो वो नेक्स्ट लाइफ प्लास्टिक प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का क्या है, ये पेन पड़ा ये क्या चीज है, ये पेंसिल है, लीड पेंसिल पानी आ गई। अच्छा मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरी सास मुझे बहुत डांटने वाली है या मेरी नजर जो है मेरी चुगली करने वाली है, ध्यान क्या करते हैं, ध्यान में जब हम लोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो विश्व प्राण शक्ति है वो तो हम जब सोते हैं तो भी हमारे पास आता है राइट। लेकिन जब हम जागृत रूप से ध्यान करते हैं तब हम विश्व प्राण शक्ति को ज्यादा लेते हैं। तो रोल क्या है, गेम क्या है, जागृत चैतन्य अवस्था में उसको जान। तो आप देखिए डेथ होने के बाद आपको पता लग जाएगा ओह यार ये तो सीखना है, नहीं चले मुझे माफ करना था अभी, नहीं नहीं मेरे से कुछ माफ कर दिया। तो मेरे पास ऐसे बड़े सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ मैं किसी का रिग्रेशन करा रही हूँ और वो उसके पास्ट लाइफ में उससे मैं ये सारा कुछ उसका हुआ है और ट्रिप के बाद उसको समझ आ रही है और कहते हैं हाँ नहीं मुझे समझ आ गया, मुझे ये तो बहुत ही अच्छा है ना, और जो गाइड है वैसे सारे लगे। अब इसे कहने से नहीं होगा, बॉडी में रहते हुए ये अंडरस्टैंडिंग लाने तो अब नहीं, वहां पे रहते हुए उस द्वंद में रहते हुए अगर आपने सीख लिया, वहां रहते हुए इसको कर लिया तो आप हो गए, नहीं तो पास नहीं, जाओ बेटा फिर से लेसन लर्न करो, फिर से करो राइट। ऐसे तो ये बड़ी मजेदार चीज है। तो हम अगर मना भी करते नहीं मुझे नहीं सीखना, कोई बात नहीं, वो या तो या बहुत सीवियर होकर आपके पास आने वाला है या नेक्स्ट लाइफ में जाने वाला है। तो इसीलिए हमें भागने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट टेक इट एज इट इज। और हम जब इसको सीख जाते हैं, उस लेसन को सीख जाते हैं, तब हमारा रोल खत्म हो जाता है। अब जब रोल खत्म होता है तो क्या, कई बार ऐसे सिचुएशन देर आ जाती है और हमें लगता है पूरा जो ब्रह्मांड ने मेरी शायद टेस्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन जहां आपको लगा कि आपने सीख लिया है, जैसे आपको किसी ने सताया और आपने सीख लिया, आपने कहा हाँ मुझे समझ आया, तो क्या होगा, अच्छा हो गया क्या, अब आपको दूसरे लोग ऐसे मिलके जो सताएंगे। अब आपने अगर सचमुच सीख लिया है कि हाँ भैया ये तो नाटक चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको उस तरह से अच्छा मुझे आ गया है तो आप उसको यूज करोगे, नहीं तो क्या होगा, अगर ठीक से नहीं सीखा तो क्या होगा, जो पुराना जैसे करते थे पुराने जैसे चिढ़ जाते थे फिर से वैसे करने लग जाओगे। अगर तो आपने सीख लिया और दूसरे तरीके से आप एक्ट कर रहे हो तो आपने प्रोग्रेस किया, नहीं तो क्या होगा, लेसन को फिर से आपके पास आएगा, नहीं आपके पास आपने ठीक से सीखा नहीं है, ठीक से सीखा नहीं है तो इसीलिए आपको फिर से एक बार देंगे सिचुएशन देंगे कि भैया देखे तो सही सचमुच सीखे क्या। तो आपके पास जब ऐसा हो जाएगा और आप अगर मान लो गुस्से भी हो गए, मान लो आप पहले कि आपने सीख लिया हाँ भैया सब नाटक चल रहा, लेकिन कोई कंडीशन आया उसमें आप गुस्से हो गए से फिर से ना, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद आप बैठे और आपने सोचा अरे ये तो नाटक चल रहा था, मैं फालतू ही गुस्से हो गए। लेकिन अब आपको अब दो तरह का, ओ मैं तो गुस्से हो गई, मैं तो ठीक ही नहीं शायद, पर अब पहले जैसे आप काफी लंबा जो आपका खिंच रहा था वैसा नहीं, अब आपने क्या किया उस वक्त शायद गुस्से हो गए पर बाद में आपने किया नहीं मेरे हाथ में मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, मैं जो मैं इसमें कैरीड
फॉरवर्ड होके मैं इसी में रम जाऊंगी या बह जाऊंगी, अब नहीं होगा। तो अब क्या है, अब आपके पास चेंज आ रहा है, चेंज है। ऑल्दो आपने वो टेस्ट ठीक से नहीं लिया पर आप सीखे, फिर ऐसी कंडीशन आएगी तो पहले जैसे गुस्से हो जाते थे उस वक्त थोड़ा कम होगा, धीरे 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 एक पॉइंट पर ऐसा होगा कोई भी आपके सामने लेसर आएगा कि अरे भाई बोल बेटा मुझे पता है आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यू नो ऐसा हमारा चलता जाएगा, मजेदार सा हम सीख जाएंगे। फिर तो हमारी यूनिवर्स हमें भले टेस्ट करते हुए दिखे, तो एक्चुअल में क्या है, यूनिवर्स टेस्ट नहीं कर रही है, ये सिर्फ आपको याद दिला रही है आप क्या कुछ कर सकते हो। तो कई बार ऐसा भी लगता है हाय ये सीख जो है क्या सारा जीवन चलने वाला है, मैं ऐसे ही रोती फिरती रहूंगी क्या। तो अगर हम लोगों ने अच्छे से इस टेस्ट के लिए होमवर्क तैयारी कर ली है तो क्या होने वाला है, हम हंसने वाले हैं। अगर हमारे सामने ऐसा कोई टेस्ट भी आएगा तो हम कहेंगे यस अब आप मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। और जब हमारे अंदर से ये बात रियली में आएगी तो आप देखोगे जो सामने वाला, क्योंकि आप इस रोल में उतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट हो जो दूसरों, तो सामने वाला अगर सता रहा है तो उसको सता के सीखना है, अगर आप नहीं सीखोगे तो वो भी नहीं सीखता। तो दोनों का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आप अपनी जीवन की परेशानियों को खत्म कर सकते हो जब आप चैतन्य जीवन को जीने लगता हो, इसमें पूरी तरह से जब आपको ये पता लग जाए कि मेरे जीवन का सोल्यूशन मेरे ही हाथों में है और हम भी, मैं ही अपने भाग्य विधाता हूँ, मैं ही अपने आप को क्रिएट कर रही हूँ कर रहा हूँ, तो हम इस परेशानी से बाहर निकल आते हैं। और ये बहुत सुंदर बात है जो हम सब समझें कि जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तब चीजें बदल जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स भी यही बात कहता है कि जब हमारी परसेप्शन बदल जाती है तो हमारा रियलिटी बदल जाता है। परसेप्शन यानी हमारे देखने का नजरिया, कोई चीज को आप कैसे देख रहे हैं, वही सेम चीज आपको दुखी करने वाली लग सकती है, वही सेम चीज आपको सुनाने वाली लग सकती है। तो आपका नजरिया जो है, मैं यही बात आज भी अंडरस्टैंड कर रही थी, वेरी ब्यूटिफुल, हमारे ध्यान में यही होता है। जब हमें पिता ने बार बार क्या बोला, ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए, इतनी सारी गुड़ बातें वो नहीं बता रहे, वो कह रहे ध्यान कीजिए, क्यों, क्योंकि उनको ये बात पता है जब ध्यान करेंगे तभी इनका परसेप्शन रेज होगा। परसेप्शन रेज के बगैर मैं इनको खूब सारा ज्ञान भी दे दूं ये कुछ नहीं होने वाला है, ये वही सुनेंगे हाँ भाई चंपा पता नहीं कहाँ से क्या बोल रही है, या हमें नहीं समझ आएगा तो नींद आ जाएगी हम भाग जाएंगे वहां से, राइट। पर अगर हम अपनी एनर्जी को रेज कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी परसेप्शन उन्नत होती जाएगी। और फिर जो बात है, वही एक ही किताब चार जने पढ़कर चार तरीके से परसीव करेंगे अकॉर्डिंग टू उनका क्या माइंडसेट है। तो हमारा माइंडसेट उन्नत करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। जैसे हमारा परसेप्शन रेज होगा तो हम उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ एक बड़ा सुंदर आपको हमारे जो बुद्ध हैं वो क्या बता रहे हैं कि आप अपने आप जीत लो, हजार हजार युद्ध से जरूरी है आप अपने आप को जीतो, आपकी जो जीत है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई भगवान नहीं ले सकता, कोई राक्षस नहीं ले सकता, कोई हेवन हेल एंजल कोई आपकी जीत को आपसे नहीं ले सकता। ये चीज हमें समझनी है, और ये जीत किस बात की जीत है ये बात हमें समझनी है। ये जीत है हमारी अपने आप से, जो हम चीज नहीं सीखे हैं, जो चीज को बार बार रिपीट करके परेशान होते जा रहे हैं उससे आगे जीतना। सो मास्टर्स दिस वाज ऑल अबाउट स्कूल कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे बताएं कि इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, हम उसका आंसर एंड देन हम मेडिटेशन भी कर सकते। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे आंसर्स दिए हैं, और जो आपने भी कहा हमारा प्री कंसीव्ड रहता है, हमें तय रहता है, तो आज मेरा इस सेशन में ज्वाइन करना और आपके बारे में कहना
मुझे समझ में आ गया कि इट वॉज अ प्लान एंड इट हैड टू हैपन. वो मेरे ही प्रश्नों के उत्तर के लिए था और जो द्वंद मेरे अंदर चल रहा था. आई कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज माई आईज में मैंने जब आपने एक पीपीटी रखा तो सिंक्रोनाइज सिंक्रोसिटी हैपन्स कहा और उसी का आपने इमीडिएटली आंसर दिया. फिर आपने कहा इफ यू रेसिस्ट यू परसिस्ट, तो वही चीज मेरे अंदर भी चल रहा था. तो दो तीन पॉइंट्स मैंने कहा, यू लर्न एंड इवॉल्व, वो भी मेरे अंदर बहुत, ये सब चीजें एग्जाम्पल दे रही हूँ. इट वॉज सो नाइस एंड सो एजुकेटिंग. थैंक यू सो मच मैम. लाइक आई एम एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टेड, मतलब कह नहीं सकते, लिमिटलेस है. थैंक यू सो मच. आई विल शो माई फेस, सॉरी. Yeah, this is me, Aparna, and I was talking. Thank you very much, ma'am. You can see that excitement on my face. Like, wow, kya ho gaya aaj, aaj gazab ho gaya, matlab. Great, great, great. Thank you so much, Aparna. मैं भी थैंक यू करना चाहूँगी अपर्णा जी, थैंक यू सो मच. और शंपा मैम आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि आपको बुलाकर मैं खुद नदारद हो गई. अरे नहीं, आप अपना काम क्यों नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अपर्णा जी को मैंने कॉल किया कि अपर्णा जी आप देख लीजिए, मेरे को अचानक से मेरे को जाना पड़ रहा है. तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार, मेरे को नहीं आना था आज क्योंकि इनको स्टडी करनी थी. बोले मेरा वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है. मैंने कहा आज देख लीजिएगा, अगर आप नहीं देख सकते हो तो फिर मुझे बताइए, मैं किसी और को बोलती हूँ. और मैं ना इसलिए कैंसिल नहीं करती हूँ कि पत्री जी बोलते हैं ना कि ध्यान में बड़ी मुश्किल से तो लोग आते हैं, अगर एक दो दिन अगर आप गैप कर लोगे तो वो ध्यान हट जाएगा. तो मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से इतने सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए है कि किसी और को बोल दिया जाए. राइट, सचमुच ममता जी, आई एम सॉरी कि पिछली बार हमारा ये सेशन जो था शायद 25 तारीख को डिसाइडेड था. उस दिन मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी, मतलब मैं कंप्लीट साइलेंट थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे. मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं तैयार होके जो टॉपिक है इस टॉपिक के साथ मैं कोई जजमेंट करती या मैं सामने भी आ सकती थी. तो मैंने कहा कि नहीं, इसका फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने सॉरी. आमतौर पर मैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी का कैंसिल किया है, अदरवाइज मैं कैंसिल नहीं. मैम ने फिर भी बोला था कि ममता जी अगर आप बोलो तो मैं आ जाऊंगी. मैं मना नहीं कर रही हूँ, मतलब उस कंडीशन में भी मैम बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊँगी. मैंने कहा मैम नहीं, अगर आपका मन नहीं है तो प्लीज़ आप रहने दीजिए. तो थैंक यू सो मच मैम. और मैं मैम से फर्स्ट टाइम JTTP फोर में मिली थी. ये है मेरी एडमिन थी शंपा मैम, और तब से मुझे बहुत, मतलब कि ये समझ लो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैम से. और मुझे मन है कि एक बार मैम से मैं मिलूँ, और तब से ही मैं कॉन्टेक्ट में हूँ. और मैम से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो वो ऑलवेज रेडी रहती है. मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मैम ऑलवेज सॉल्व करने के लिए रेडी रहती है. हाँ वो बात अलग है कि मैम से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, बाकी मैसेज के थ्रू कभी भी आंसर जरूर कर देती है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू यस अनिल कुमार जी, अनुपमा जी भी आई हुई है. वाह वाह क्या बात. जी अनुपमा जी बताइए. थैंक यू बोलना है. अरे बाप रे, बहुत कुछ रिमाइंड करा देते हैं आप आके, आप मीडियम बनते हैं, बहुत कुछ रिमाइंड करा देते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है और उसी समय आप आ जाते हैं और मैं सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ. ग्रेट. आज मैंने हैंड रेस करने से पहले ही कर लिया. बहुत कुछ अभी चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है पिछले 6 महीनों में, इसलिए मैं टच में नहीं हूँ, तो बताऊंगी आपको. बिल्कुल, हम सबके लाइफ में सब कुछ हमेशा, हमारा सोल जो है वो इवॉल्व ही हो रहा होता है हर तरह से, कई तरह से, हर एक एंगल से. आज का टॉपिक मेरे लिए था और मैं ज्वाइन कर पाई. मेरे आंसर्स लिस्ट में. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक. टॉपिक को आप इसके लिए ममता जी को थैंक्स दें, चॉइस ममता जी ने किया है. थैंक यू ममता जी. ममता जी को भी थैंक्स, बट आपने जिस ढंग से बताया उसमें मेरे आंसर्स आ गए. नहीं ऐसा क्यों होता है मैम कि जब भी कोई पूछते है कि ये टॉपिक बता दो तो मैं टॉपिक बताती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस चीज का तो हमें आंसर चाहिए था. क्या बात है.
ये लीना बजाज मैम का ने करवाया था, तब भी ऐसा ही हुआ था और आज भी यही हो रहा है। Wonderful. ये सब मास्टर्स करवाते हैं मैम। यस यस, उनको पता होता है क्या चाहिए इस वक्त। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू ममता जी एंड थैंक यू चंपा जी, थैंक यू अनुपमा जी। यस अविनाश जी, नमस्कार शंपा जी। नमस्ते, मैंने आपका मुझे आप ये डिस्कशन कर रही थी पिछले दिनों मॉर्निंग वाला किया था, मेरा ध्यान में मन इतना नहीं लगता, कभी कभी अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उस दिन या तो आपकी डायरेक्शन थी या मैंने JTTP 24 ज्वाइन किया, उसके बाद से कमाल का हो रहा है कि जैसे ही ध्यान शुरू होता है 5 मिनट में मैं पूरी तरह जो है इन्वॉल्व हो जाती हूँ। घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, जब वो कहते हैं आंखों पे हाथ रखो तब लगता है कि घंटा तो निकल भी गया, और उस समय मैं आपके लिए थैंक यू बोलती हूँ, तो आज भी उसी थैंक यू के लिए मैंने फोन किया। थैंक यू अविनाश जी। यस अनिल जी, आत्मावंदन चंपा मैडम, आत्मावंदन ममता मैडम को प्रणाम, अर्पणा जी को भी नमस्ते। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन जो आपने आत्मा के बारे में बताया, जो आत्मा जो जीवात्मा के साथ जुड़ के धरती पर आती है तो वो सीखने के लिए जाती है, तो वो सीख के आती है कुछ। देखिए यहाँ सीखना सिखाने से ज्यादा कैसा रहता है, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि जब हम आत्मा की स्थिति में होते हैं ना, तो हम बड़े यू नो मस्ती में होते हैं, और कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है क्या, हम लोग तो ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह आप समझिए कि हम यहाँ पर ऐसा लग सकता है स्टोरी में कि शंपा ऐसा सीख रही है, अनिल जी ऐसे सीख रहे हैं, अपना जी ऐसे सीख रही है, ऐसा अलग अलग लग, पर इस पूरे यूनिवर्स में जैसे हम लोग कहते हैं ना वी आर वन, वो एक्चुअल में वो वननेस जो है वो आत्मा स्थिति में पता लगता है, क्योंकि तब हम ऐसा नहीं रहता है कि ये शंपा की लर्निंग है, ये अनिल की लर्निंग है, ये अपना की लर्निंग है, ये नहीं रहती, एवरी वन इज लर्निंग थ्रू ईच अदर ऐसा। तो कई बार वो उस स्थिति में भी, जैसे मेरे लाइफ में भी ऐसा था कि मैं एक बार ऐसे देख रही हूँ कि मैं एक लाइफ है और मैं किसी का देख रही हूँ कि वो सोल का उसने कुछ लिया है एंड ऑल, काफी ट्रॉमाज एंड ऑल, और मैं ऐसे बोल रही हूँ इतना रो रही है, उस स्थिति में हम लोगों को कोई द्वंद्व का होता नहीं, इतना रो रही है, ये तो खैर मुझे बाद में पता लगा, ये कब पता लगा, जब मेरा एक लाइफ था बड़ा ही टेंटेड लाइफ था, रोते पिटते मैं जब जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, अब देखिए कैसा है सोल का नॉलेज भी है, पता नहीं मैंने क्या क्या कर्म किए होंगे जो मेरा इतना खतरनाक लाइफ था, हे भगवान ऐसे ऐसे गए, मैं तो लेवल में ऊपर जा रही बड़ी दुखी, इतना सोल ग्रुप जब आया तो सोल ग्रुप के पास पहुंच कर होता है ना, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, होता ना अपने घर वाले मेरे समझेंगे कुछ ऐसा सा मेरा, और मैं देख रही हूँ मेरे सोल ग्रुप जो है ना बिल्कुल हंसी रोक कर ना मेरे को ऐसे देख, और मुझे लग रहा है अपने लोग एक और दुख एक और झटका, अपने लोग हो मेरे पता ऐसे हंस रहे, और एक जन तो मतलब कहते ना कोई बहुत देर तक हंसी रोक के रखे तो हंसी रुकती नहीं, तो जैसे हंस के ड्रामा क्वीन ऐसे उसने बोला, जैसे उसने बोला मेरा जो एक वेल था जो अर्थ का जो एक द्वंद्व का जो वेल था वो निकल गया, और फिर मैंने को एकदम जैसे झटका सा लगा एंड देन आई रियलाइज्ड ओके क्या हो रहा है, ये वो पूरा नाटक था, और मैंने कब कहा था कि भाई अरे ये तो बहुत रो रही है, तो वो कह रहे वो क्या रोई तू तो उससे ज्यादा रो के आई, तो इट वॉज कोई कर्म कुछ नहीं था, दैट ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, हमेशा हम जो लोग कर रहे हैं वो कार्मिक या नेसेसरी नहीं, एक्सपीरियंस लेने के लिए भी कई बार हम आ रहे होते हैं इन द गिवन कंडीशन, हम मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, इट्स लाइक टेस्ट लेना, तो हम ये लिए इसके लिए भी आ रहे होते हैं। तो आत्मा जो है वो वही पूर्ण है, पर वो अपने हर एस्पेक्ट को जानना चाहती है, देखना चाहती है, अनुभव करना चाहती है, इसीलिए वो हर तरह से अपने आप को जानती है। ये आत्मज्ञान ध्यान जो वर्कशॉप है उसके टॉपिक्स जो है वो भी इसीलिए ऐसे बताए गए थे, बड़े इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक्स थे, काफी मजा आया मुझे। थैंक यू मैडम, थैंक यू कि मैंने ये इसलिए क्वेश्चन किया कि मैं गुजराती में कुकली रहा हूँ, आत्मानी ओळख,
मुझे बहुत अच्छा लगा आत्मा के बारे में जो आप, या तो थोड़ा मुझे भी इसमें, मैं भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू जी। मोजलपा जी, आपका हैंड रेस था। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आपका, आपका सेशन मुझे बहुत पसंद आया, बहुत आपको वंदन। राइट, तो अभी बताइए हम लोग मेडिटेशन करेंगे, कैसा रहेगा आप लोगों का, कैसा प्रोग्राम होता है मुझे बताएं। ममता जी, यस मैम, करवा दीजिए मेडिटेशन, करवा दीजिए। हाफ एन आवर का हम मेडिटेशन करें। क्योंकि आपका 3 से 4 का है ना, 4 बजे है, इसलिए मैंने पूछ। कोई बात नहीं मैम, ले सकते हो अभी आप हाफ एन आवर, आज मेडिटेशन नहीं हुआ तो हो जाएगा। 15 मिनट का कर लें, जैसा आप बताएं। नहीं, हाफ एन आवर का कर लीजिए। ठीक, तो आपका यूट्यूब का नहीं है तो मैं वो कॉपीराइट वाली म्यूजिक चला लेती हूँ। म्यूजिक तो आप बता दीजिए, शेयर कर, हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैं दूसरा म्यूजिक चलाऊं। हाँ हाँ प्लीज मैम, वो बाद में मैं अपलोड करूंगी, मैं भी सेशन को अपलोड करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, करूंगी। ठीक है, फिर मैं दूसरा म्यूजिक चला देती हूँ। अच्छा, हम लोग सब आराम से बैठे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत जरूरत है आपके मेडिटेशन की। बिल्कुल, हम लोग सब आराम से बैठे, एकदम शांति के साथ हम बैठे, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, आती जाती सांसों के साथ हम एक उठा है सांस, बस हमें अपने ही साथ जोड़ती चले, उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें हम, पैरों को क्रॉस कर लें, ध्यान सिर्फ हमारे आती जाती सांसों के साथ, पितामह के जो लूट की आवाज है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, जो हमें काफी गहरी ध्यान की स्थिति में ले जाता है। बस हम सांस के साथ, उस धुन के साथ और गहराई में अपने साथ जुड़ते चले, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, सिर्फ आती और जाती।